अपने बोल्ड अंदाज के लिए मशहूर और बिग बॉस 6 की रनरअप रही। सना खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम के प्रचार प्रसार के लिए फिल्मी दुनिया को अलविदा कहकर अपने सभी फैंस को चौंका दिया था। सना ने एक बार फिर से मीडिया समेत अपने सभी फैंस को चौंका दिया है। जी हाँ, सना खान ने शादी कर ली है। सना खान ने गुजरात के सूरत शहर में परिवार के लोगों की मौजूदगी में मौलाना मुफ्ती अंस से निकाह कर लिया है। निकाह के बाद खुद सना ने एक तस्वीर साझा की जिसमें वो मौलाना मुफ्ती अंस के साथ बैठी नजर आ रही हैं। तस्वीर में सना लाल रंग का जोड़ा पहने और हाथों में मेहंदी लगाए हुए बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। वहीं उनके शौहर अंस खान भी सना के बराबर में बैठे हुए हैं। अंस खान ने व्हाइट रंग का लिबास पहना हुआ है। सना ने इंस्टाग्राम से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए एक पोस्ट भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अल्लाह के लिए एक दूसरे से प्यार किया, अल्लाह के लिए शादी कर ली, इस दुनिया में अल्लाह हमें साथ रखे और जन्नत में दोबारा मिलाए। सना ने कुरान की आयत भी लिखी है जिसका मतलब है फिर तुम अपने रब के किस किस नवेद को झुठलाओगे। इसके साथ सना ने हैशटैग के जरिए अपने निकाह की तारीख भी बताई है। बता दें, सना खान ने 20 नवंबर को अंस मुफ्ती के साथ निकाह किया था। शुक्रवार को हुए इस निकाह का बीते दिन एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में सना सफेद रंग के कपड़े पहने हुई थी, साथ ही उनके पति मुफ्ती अंस भी सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए नजर आए। गौरतलब है कि सना खान फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा रही हैं, उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा रही है, लेकिन अचानक बॉलीवुड छोड़ने और शादी करने के उनके फैसले ने उनके सभी फैंस को हैरान कर दिया था। आपको बता दें कि शादी के बाद सना खान ने अपना नाम बदलकर सईद सना खान कर लिया है। असल में उनके पति का नाम अंस सईद है। बता दें, सना के पति अंस एक मौलाना होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं। आपको बता दें कि सना खान का जन्म 21 अगस्त 1987 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत ये है हाई सोसाइटी से साल 2005 में की थी। इसके अलावा वह बॉम्बे टू गोवा, धन धना धन गोल, हल्ला बोल, जय हो, वजह तुम हो जैसी फिल्मों में नजर आई हैं। वहीं सना हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगू और तमिल फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। आपको बता दें कि सना खान से पहले फिल्म दंगल से मशहूर हुई अभिनेत्री जायरा वसीम ने भी लगभग एक साल पहले धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए फिल्मी दुनिया छोड़ने का फैसला लिया था। नेशन लाइव IPTV के लिए कृतिका त्रिपाठी की रिपोर्ट।